वेलकम बैक इन कैरियर वर्ल्ड एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। मैं हूं राहुल कुमार, जो कि आप लोगों के लिए लाता हूं बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस और एग्जामिनेशन पेपर के सॉल्यूशंस। तो आज 6 फरवरी 2019 को 12th एग्जामिनेशन का जो बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, मैं उसके ऑब्जेक्टिव पोर्शन का फुल एनालिटिक सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप न्यू विजिटर हैं या हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो 12th और 10th एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पेपर्स के अपडेट के लिए और उनके सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मैं बीच बीच में एग्जामिनेशन से संबंधित भी मटेरियल्स और बहुत सारे एजुकेशनल टिप्स देता रहता हूं, तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं एग्जामिनेशन पेपर पर। तो आज जो सुबह पूछा गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का बायोलॉजी का क्वेश्चन, मैं उसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं ताकि स्टूडेंट को जो बना के आए हैं एग्ज़ाम में उन्हें कुछ मदद मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एकाध क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो क्षमा करेंगे। हमारा कार्य स्टूडेंट को केवल लाभान्वित करना है, और अगर कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप उसका सही आंसर दे सकते हैं, फिर मैं उसको अपडेट कर दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में होता है, यानी कि द फेनोटाइपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज, इसमें होता है 1:2:1, ऑप्शन नंबर सी। F1 से F2 में जब पहुंचता है तो 1:2:1 का बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है, तो ये एक ऑटोसोम संबंधित रोग है। ऑटोसोम का मतलब होता है हमारे 23 जोड़ी गुणसूत्र में जो रोग 22 जोड़ी गुणसूत्र को प्रभावित कर जाए उसको ऑटोसोम संबंधित रोग कहते हैं। तो सिकल कोशिका एनीमिया एक प्रकार का ऑटोसोम संबंधित रोग है। चलिए आइए अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है जल धारण क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस में पाई जाती है, तो ये एक मृदा में पाई जाती है। क्योंकि हम जानते हैं चिकनी मिट्टी होती है, बलुआही मिट्टी होती है, तो हर मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जल धारण क्षमता मृदा में यानी मिट्टी में सॉइल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेसिल किससे संबंधित है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूरेसिल आरएनए और डीएनए दोनों से संबंधित है। पहले डीएनए मारा गया था, फिर इसको मैंने स्टडी करके देखा तो इसमें आरएनए और डीएनए दोनों था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरएनए में ये जो है ये टूटता है थाइमिन से, ये ब्रेक होता है, और डीएनए में ये साइटोसिन से ब्रेक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, रिलेटेड टू आरएनए एंड डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी कल्चर। तो देखिए पीसी कल्चर मत्स्य पालन जैसे यहाँ पे क्लियर है, क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है। रेशम कीट नहीं, लाह कीट नहीं, और जलीय पौधे नहीं, तो जलीय जंतुओं से, क्योंकि मछली एक प्रकार का जलीय जंतु है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस विधि से होता है, तो इंग्लिश में इसको बडिंग बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं मुकुलन विधि, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ये सबसे ज्यादा क्लोज थे एप के, एप यानी लंगूर, ये सबसे ज्यादा लंगूर के करीबी थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक मूसों यानी चूहों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो जो वैक्सीन इंसानों को लगाई जाती है उसके पहले इसका इस्तेमाल या इसका प्रयोग ट्रांसजेनिक चूहों का के लिए किया जाता है, ट्रांसजेनिक चूहों पर किया जाता है ताकि देखा जाए कि ये इंसानों के लायक है या नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु। नेक्स्ट है बी लिम्फोसाइट्स यानी जिसको बी सेल्स भी कहा जाता है, ये कहाँ बनते हैं, तो ये बनता है हमारे बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में, 9 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। शायद ये 12th के टेस्ट में भी पूछा गया था, ये जो इस साल का जो टेस्ट हुआ था शायद उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल मिलर का संबंध किससे है, तो एल मिलर का संबंध जो है वह जीवन की उत्पत्ति के विकास से, जो केमिकल, तो यानी कि जो केमिकल थ्योरी दिया गया था, केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, उसको एल
एसएल मिलर ने उसको प्रतिपादित किया था, उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, वेलिसनेरिया एक एक्वेटिक फ्लावर है, एक जलीय पुष्प है, तो इसमें जो परागण की प्रक्रिया है वो जल से होती है, तो ये जल परागित होते हैं। 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक या जैविक विकास के पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, यानी कि ये भी केमिकल इवोल्यूशन की बात कर रहा है, रासायनिक विकास की बात कर रहे हैं। इसकी अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो इसकी अवधारणा प्रतिपादित की थी ए आई ऑपेरिन और जे बी एस हेल्डन ने। तो ऑप्शन नंबर ए 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने के लिए हम माइक्रोपिपेट और जीन गन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। माइक्रोपिपेट भी गूगल पे मैंने देखा तो माइक्रोपिपेट भी उसमें था और जीन गन भी था, तो ये इसलिए मैंने ए और बी दोनों मारा, ऑप्शन नंबर सी। गर्भाशय किससे संबंधित है, तो गर्भाशय नर के पास तो होता नहीं है, पादप के पास भी नहीं होता है, उसके पास अदर चीज यूटेरस नहीं होता है उसके पास, तो ऑप्शन नंबर बी मादा या स्त्री जनन तंत्र से, और ऑप्शन नंबर डी तो इनमें से सभी है, नर जनन तंत्र तो पहले ही छाटा जा चुका है। क्राई आईएबी और क्राई डबल आईएबी दोनों ही कपास के कीटों को यानी कॉटन इंसेक्ट को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी। चरम समुदाय संक्रमण क्षेत्र में पाया जाता है, चरम समुदाय जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन होता है, संक्रमण होता है, वहीं पे चरम समुदाय यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसके नाम से जाने जाते हैं, तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है जो डीएनए को दो टुकड़ों में बांट देते हैं, तो यानी इसको आणविक कैची भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपीआर, इसमें तो पहले में ही एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, तो ऑप्शन नंबर सी। एमपीआर में छुपा हुआ है एंटीबायोटिक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर सी। 20, स्त्री दल चक्र पुष्पों में यह स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सब मिला के बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग किया जाता है, तो पीपीआर का उपयोग किया जाता है ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 का ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम यानी कि ओपियम किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है पपावर सोमनी फेरम से। 22 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को मॉर्टेलिटी रेट कहा जाता है, यहाँ पे मॉर्टेलिटी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 23 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करते हैं, मुझे प्रोडक्ट भी मिला और मुझे प्रोडक्ट भी मिला लेकिन मुझे कंफ्यूजन है कि इसमें जीव और माध्यम दोनों भी हो सकता है, लेकिन मैं 70% कंफर्म हूँ उत्पादक की ओर, और अगर जीव और माध्यम दोनों होगा तो फिर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका अगर सही ऑप्शन या कंफर्म ऑप्शन आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ और मैं इसको फिर कन्फर्म कर दूंगा, वहाँ 23 का कमेंट में आके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 जो है, इसमें आरएनएआई का प्रयोग किसको नियंत्रित करने में किया जाता है, तो टोबैको। देखिए इसमें एक चीज़ देखिएगा जरा सा, रोगाणु यानी पेस्ट्स दिया हुआ है, पेस्ट जो है वो तंबाकू में ये नियंत्रित करता है और आलू में ये नियंत्रित करता है ये विषाणु, तो यानी कि तंबाकू इसका राइट आंसर है। अगर विषाणु रहता तो फिर यहाँ पे आलू मारा जाता, आलू भी आंसर होता और तंबाकू भी होता, लेकिन केवल पेस्ट दिया है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा 25 का। क्षय रोग का संक्रमण हवा के द्वारा होता है, हवा के माध्यम से, 26 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइचुंग क्या है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ताइचुंग धान की एक बौनी किस्म है, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक ऑपरन किसका प्रतिनिधि करता है, तो इसमें अनुदेशी जीन क्रियाविधि और दमनकारी जीन क्रियाविधि, ये दोनों ही ऑप्शन गूगल पे शो आउट कर रहा है, तो मैंने इसको कंफर्म नहीं किया है, क्योंकि मैं मैथ्स का स्ट्रेंथ हमेशा से रहा हूँ, बायोलॉजी वगैरह पर थोड़ा सा हल्का सा पकड़ कम है, तो इसलिए मैं जिसमें कंफर्म नहीं हूँ वो मैंने नहीं बताया है, जिसमें मैं कंफर्म हूँ उसको मैंने कंफर्म किया है, तो ये आप गूगल कर सकते हैं, या अगर आपको सही ऑप्शन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ और बताएँ, फिर मैं उसको कंफर्म कर दूंगा। 28 का
ए थोड़ा सा है लेकिन मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम एलिशा यानी एलाइजा, एलाइजा इसको हिंदी में बोला जाता है, ऐसे अगर शॉर्ट फॉर्म बोला जाए तो ELISA, और इसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान कर सकते हैं। 29 का ऑप्शन नंबर ए, उसको एलिशा टेस्ट भी जाना जाता है। ब्रिवरी का संबंध किससे है, तो ब्रिवरी का संबंध है सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस बोला जाता है ईस्ट को, और ब्रिवरी ईस्ट, ईस्ट से संबंधित है, तो 31 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु नील हरित बैक्टीरिया यानी साइनो बैक्टीरिया, रिजोपस का नाम आपने सुना होगा या रिजोवियम का, वो एक साइनो बैक्टीरिया है, तो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 33, युग्मक सामान्यता किस प्रकार के होते हैं, तो युग्मक बनता है ये दो से, तो युग्मक यानी गैमेट्स बनते ही हैं मेल एंड फीमेल के फर्टिलाइजेशन से, तो ये द्विगुणक यानी कि डाइपोल्ड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना को एक्रोसोम के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 35, पादपों में एम्फीवियन या उभयस्थानी संबंधित है ब्रायोफाइट से, ऑप्शन नंबर बी, तो 35 का बी। अभी वीडियो बंद नहीं करें, अभी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह से मैं हर एक पेपर का सॉल्यूशन करूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हो सके और हमारे चैनल को सपोर्ट मिले ताकि मैं इसी तरह से सारे क्वेश्चंस के वीडियोज़ आप लोगों के लिए करता रहूँ। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।